एक भाषा आशा भरी, जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल भाषा ही कहा, हिंदी हमारी माथे की बूंदी भी है। हिंदी भाषा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एवं गोवा से लेकर मद्रास जैसे छोटे छोटे जगह को एक दूसरे के साथ जोड़ती है और प्रमुख भाईचारा को आगे बढ़ावा देती है। हिंदी हमारी दिल की भाषा है। हिंदी अपने आप में ही संपूर्ण है। हिंदी भाषा का गौरव आज पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। हिंदी की खुशबू से अक्षर का बाग महक रहा है। हिंदी भाषा समवय भाईचारा को आगे लाते हैं एवं अपने आप में ये एक बहुत मीठी भाषा है। कबीरदास सूरदास द्वारा रचित कई पंक्ति एवं दोहे में हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। हिंदी भाषा समवय अपने आप में एक गौरवमय भाषा है। आज मैं जो भी हूँ, मैं हिंदी ने मुझे बनाया है। हिंदी मेरी मातृभाषा है। हिंदी मेरा हमसाया है। आइए आज हम सब लोग मिलके हिंदी भाषा को सीखते हैं और समवय इस मीठी भाषा को अपनाते हैं। हिंदी भाषा समवय अपने आप में एक बहुत गौरवमय भाषा है और हम सब देशवासियों का हमसाया है और हमारी माँ।
मेरा नाम है देवश्री भौमिक। मैं एक राइम्स बोलूंगी कि क्यूरी उन सके बस में चली सितना मिली तो रोने लगी सितना मिली तो रोने लगी। दाई बार बोला आज मेरे पास दाई बार बोला आज मेरे पास तितली बोली हदी बदी मस मेरे घर है बस। तितली उड़ी उड़ सकी दिन में चली सितना मिली तो रोने लगी सितना मिली तो रोने लगी। हाथी बोला आजा मेरे पास हाथी बोला आजा मेरे पास तितली बोली हदी बदी मस मेरा घर है पास। तितली उड़ी उड़ न सकी पेड़ में चली सितना मिली तो रोने लगी सितना मिली तो रोने लगी। मेंढक बोला आजे मेरे पास मेंढक बोला आजे मेरे पास तितली बोली हदी बदी मस मेरा घर है पास। नमस्ते। आदरणीय शिक्षकों और मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, मेरा नाम शायन सरकार है। मैं चौथी कक्षा का छात्र हूँ। मैंने हिंदी दिवस के ऊपर एक कविता लिखी है। आज मैं आप सबके सामने वो कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है हिंदी भाषा। भारत की शान है हिंदी, जन जन की पहचान है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। हिंदी हमारी ताकत है, हिंदी ही जीवन की आशा, जिससे मुझे बेहद मोहब्बत है, वो है मेरी हिंदी भाषा। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह ले जाना है, सिर्फ एक दिन ही नहीं हर दिन हिंदी दिवस मनाना है। धन्यवाद।
पर हुई बानी। नेताजी ने इसकी बड़ाई है बखानी, गांधी और नेहरू है इसके पुजारी। हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊं गुजराती व मराठी, बंगला असमिया सभी की सहपाठी। देवनागरी में ढली देवों की निखारी। हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊं डॉक्टर अनामिका नाथ, भवन त्रिपुरा विद्या मंदिर की पूर्व छात्रा, जो आपके सामने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अपनी खुद की रचित की हुई एक हिंदी कविता पेश करना चाहती हूँ। 139 करोड़ को जो एक बनाती है वो हमारी हिंदी है। इस महादेश भारत की जो ख्याति है वो हमारी हिंदी है। दुनिया के सामने जो हमारी पहचान को बढ़ाती है वो हमारी हिंदी है। जिसके शब्द फौलादी भी है और जज्बाती भी है वो हमारी हिंदी है। जिस भाषा में मिट्टी की खुशबू आती है वो हमारी हिंदी है। जो भाषा देश की इतिहास को बताती है वो हमारी हिंदी है। जो कश्मीर से केरला, गुजरात से त्रिपुरा की भिन्नता को एक बनाती है वो हमारी हिंदी है। जो मातृभूमि के प्रति देश प्रेम को जगाती है वो हमारी हिंदी है। जो सद्भाव और संप्रीति को दोहराती है वो हमारी हिंदी है। जो गिले शिकवे क्लेश को मिटाती है वो हमारी हिंदी है। और जो भारतवासियों को एक सूत में बांधती है वो ही सिर्फ हमारी हिंदी है। धन्यवाद। मेरा नाम चिनव चौधरी है, मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। पामागा पामागा पामागा, धप मगरे मागारे मागारे मागारे, पमगरे सा पामागा पामागा पामागा, धप मगरे मागारे मागारे मागारे, पमगरे सा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं। मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोमित इसके गहने हैं।
कच्छ भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे, पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे, ये विशेषता हिंदी ने पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। आदरणीय प्रधानाचार्य, अध्यापकगण और मेरे प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि आज 14 सितंबर है। इस दिन को समस्त भारतवासी हिंदी भाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया। भारत के स्वतंत्रता प्रेमियों के लिए हिंदी देश की एकता की भाषा थी। भारत एक मिश्रित संस्कृति वाला देश है और इस मिश्रित संस्कृति को हिंदी भाषा मजबूती प्रदान करती है। इसलिए समस्त भारतवासी हिंदी भाषा सीखें और अपनी भाषा की उन्नति करते हुए देश की एकता और विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान, सधन्यवाद। सारी भाषा की बहनी है, भारत की सारी
विश्व के सारे ज्ञान है इसमें जन जन के मन यही रमी, जन जन के मन यही रमी। मृदुल प्रकृति संगीत भरी मन भावन पावन प्रीति भरी, भावन पावन प्रीति भरी। भारत की अक्षुण्ण एकता को हिंदी से मिली महत्ता, सच है एकता की प्रतीक हिंदी है, हिंदी है। आधुनिक भारत की शक्ति हिंदी है। हम धन्य हुए मूर्धन्य हुए स्वतंत्रता संपन्न हुए, स्वतंत्रता संपन्न हुए। नव स्वतंत्र सुगंध से फैली हिंदी घर आंगन और गली गली, हिंदी से हम सबको देखो है विकास की दिशा मिली। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। सभी धर्म और जाति की भाषा, मीठी बोली शांति की भाषा, सच्ची प्रगति की क्रांति की भाषा, राष्ट्र के संविधान की भाषा, नव भारत निर्माण की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी हमारी जान से प्यारी, मुगलों ने कहा ऐसा सोचा था। भारत आए वे हुकूमत चलाने, हिंदी की जगह फारसी को दिलवाने। हिंदी हमारी जान से प्यारी, मुगलों ने कहा ऐसा सोचा था। भारत आए वे हुकूमत चलाने, हिंदी की जगह फारसी को दिलवाने। आए मुगल हिंदी को हटाने, आपस में सबके फूट डलवाने। 2000 साल पुरानी ये हिंदी, ये हमारी भारत के मातृ की बिंदी। 1500 ईस्वी में जब पूरे भारत में हिंदी का विकास होना था, तभी मुगलों के आने पर हमारे इतिहास में फिर बदलाव होना था। अपना सत्ता बिठाने को और हिंदी को दूर हटाने को, नए नए षड्यंत्र थे उन्होंने रचाए। पर उनको कहा मालूम था हमारे कुछ विद्वानों ने, अपनी छड़ी क्या खूब घुमाया, अपनी छड़ी क्या खूब घुमाया। राम और कृष्ण की ब्रज भाषा से काव्य के रूप में रचना करवाए तुलसीदास सूरदास के, कहां पीछे रहने वाले थे। संत मीराबाई और बिहारी जैसे भी आगे आने वाले थे। हिंदी हमारी जान से प्यारी, मुगलों ने कहा ऐसा सोचा था। भारत आए वे हुकूमत चलाने,
हिंदी की जगह फारसी को दिलवाने, हिंदी की दुल्हन बन कर आई चारों ओर खुशियां छाई। फिर कुछ सालों बाद अंग्रेजों ने रखा जो कदम था, अंग्रेजों ने अपना शासन चलाया, हिंदी को दुड़कर अपना भाषा आजमाया। गांधी जी थे बड़े ज्ञानी जो देख रहे थे दूर से उनके मन माने। अंग्रेजों ने एकता तोड़नी चाहे पर उन्होंने हमारे सुभाष और भगत के बारे में कहा थे जाने। हिंदी हमारी जान से प्यारी अंग्रेजों ने कहा ऐसा सोचा था, हिंदी बनी है भारत की मातृ की बिंदी ऐसा ही तो होना था। ओहो, आजकल इंटरनेट पर ज्यादातर जानकारियां अंग्रेजी में ही आती है, न जाने गुजराती में जानकारियां क्यों नहीं आती। चलो अपने दोस्त को ही कॉल करके देखता हूँ, हो सकता है कि वो मेरी इस बारे में थोड़ी मदद कर सके। हेलो मोटा भाई, तमे केम छो? मुझे ना तेरी थोड़ी मदद चाहिए थी, क्या तो अभी फ्री है? मुझे ना भारत के सांस्कृतिक विरासत जैसे ताजमहल, गांधी आश्रम आदि के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी। मैंने इंटरनेट पर बहुत ढूंढा पर सब कुछ ना जाने क्यों अंग्रेजी में ही आ रही है, गुजराती में कोई भी जानकारी पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। इसलिए तू थोड़ा देख तो कि तू इस बारे में मेरी थोड़ी मदद कर सकता है कि नहीं। हाँ यार, तुझे बिल्कुल सही कह रहे हो जी, मैंने भी स्वर्ण मंदिर के बारे में जानकारी चाहिए था, लेकिन यहाँ तो सिर्फ अंग्रेजी आ रही है। रुको जी, मैं थोड़ा और देखता हूँ, शायद मिल जाए। तो यार इतने नहीं आ रहे, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी रह गई, क्यों बेगा हमारी भाषा का। ओ छटो यार, कोई गल नहीं जी, तुझे बिल्कुल फिक्र ना करो, मैंने अपने बंगाली यार को फोन करने दो, उसे ना पक्का अंग्रेजी पता होगा। हेलो यारा, की गल है? हाँ वाहेगुरु जी की कृपा से तो सभी ठीक है, सिर्फ एक चीज ठीक नहीं है, मेरे मोबाइल में ना सांस्कृतिक की जानकारी नहीं आ रही है, और आती है ना सिर्फ अंग्रेजी में आ रही है। तो देख तो तेरे मोबाइल में पंजाबी में आती है कि नहीं, और अगर आती है तो मेरे को थोड़ा दे देना। है बंधु, ठीक ही बोलेछिस, मैं ना बहुत दिन थेके सांस्कृतिक विरासत आछे ना ओइटा खुजछि, किन्तु सब अंग्रेजी भाषा में आसछे। आमारो ना हिंदी भाषा शेखा बहुत इच्छा, किन्तु ये तो हिंदी में आसार नाम ही नेय ना। और सबसे बड़ो कथा जेटा सेटा तो हच्छे हिंदी आमादेर राष्ट्रीय भाषा, और ये राष्ट्रीय भाषा के तो सम्मान देना ही चाहिए और जानना भी चाहिए, क्या बोले बंधु? अरे यार सच बताओ, मुझे ना अंग्रेजी इतनी पसंद नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ कुछ कर सकता हूँ नहीं। ताजमहल के बारे में पूछ के देखता हूँ, हिंदी में पूछूं? चलो देखते हैं, शायद आ भी जाए। ओके गूगल, ताजमहल के बारे में बताओ। कमाल हो गया दोस्त, यहाँ पे तो ताजमहल के बारे में सब कुछ आ रहा है, और वो सरदार तेरा स्वर्ण मंदिर, चार मीनार, लाल किला, सब भारतीय सांस्कृतिक विरासतों के बारे में है। मुझे तो यह बात पता नहीं था। और तुम लोग अगर थोड़ा हिंदी में पूछ लेते तो शायद आ भी जाता। अफसोस है मुझे इस बात का, हम सब भारतीय आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन हिंदी को भूल रहे हैं। सब जा देखो अंग्रेजी में बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या दिक्कत है हिंदी बोलने में? हम सब आगे बढ़ रहे हैं, आधुनिक हो रहे हैं, तो जरूर व्हाट्सएप में बातें करते होंगे। किसी अनजान व्यक्ति को अगर हाउ आर यू पूछ ना पूछ के कैसे हो आप पूछे तो कभी पलट के जवाब नहीं देते, क्योंकि वो सोचते हिंदी में जवाब दे रहे। भाई
और हम सोचते हैं, हम सब भारतीय हिंदुस्तानी सोचते हैं कि फ्रांस रशिया देशों जैसे आगे बढ़े, वो अपने भाषा बोलते हैं इसीलिए आगे है, और हम सब 121 भाषा को छोड़ के किसी दूसरे भाषा को ज्यादा महत्व देते हैं। क्या हो गया मेरे देश को, क्या हो गया हम सबको? और मैं उन सब से पूछना चाहता हूँ जो हिंदी बोलने में शर्माते हैं, क्या तुम अपने माँ को पुकारते समय शर्माते हो? क्या तुम अपने माँ को पुकारते समय लाजते हो? तो हिंदी बोलने में कैसी लाज, कैसा शर्म? हम सब इस पवित्र भारत में जन्मे हैं, इस पवित्र हिंदुस्तान में जन्मे हैं। हम सबको हिंदुस्तान की हर चीज को सम्मान देना होगा। हिंदुस्तान को सम्मान देना मतलब हिंदुस्तान की राष्ट्रीय भाषा को सम्मान देना, उससे भी बढ़कर अपनी मातृभाषा को, अपने माँ के भाषा को सम्मान देना। मैं आप सब लोगों को, हम सब, मैं सब भारतीय को एक उदाहरण के सहित, मैं एक उदाहरण से आप सबको स्पष्ट कर दूंगा कि हम सब कितने गलत, हम सब कितने गलतियां कर रहे हैं भाषा को लेके। सोचिए हम सब भारतीय बहुत सुंदर रंगीन फूल पौधे हैं और एक बड़े से बगीचे में है, और वो बगीचा भारत है। तो हम सबको एक खूबसूरत उम्दा माला बनाना है। तो माला बनाने के लिए कौन दो चीज की जरूरत है? रंगीन फूल, खूबसूरत फूल पौधे, फूल पौधे और धागा। धागा का बिना यह असंभव है एक माला बने, एक माला, एक बेहतरीन माला बने। फूल चाहिए, बहुत सारे सुंदर फूल चाहिए, और वो सब हम हैं, और वो धागा हिंदी है। बिना धागा और फूल के एक माला कभी ना बन सकता है, ये असंभव है। तो बिना हिंदी और बिना हिंदुस्तान और हमारे, यह संभव एक खुशहाल राष्ट्र बने। धन्यवाद। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, विश्व की भाषा, सब जन की भाषा, शान की भाषा। हिंदी भाषा को जन जन तक पहुंचाए, डिजिटल हिंदी और हिंदुस्तान को महान बनाए। जय हिंदी, जय भारत।